दोस्तों, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है। हमें जो भी चीज़ पसंद आती है, हम तुरंत घर पे बैठे बैठे ही उस चीज़ का ऑर्डर दे देते हैं। डिलीवरी वाला लड़का वो चीज़ दे के जाता है और चला जाता है। लेकिन आपको मालूम है, जो लड़का डिलीवरी करने आता है वो कितने कमाता है? आज मैं आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी बॉयज़ कितना कमाते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये डेटा मैंने इंटरनेट से लिया है और ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि कंपनी अलग अलग जगह और टाइम टू टाइम सैलरी में चेंज करती रहती हैं। दोस्तों, नॉर्मली कंपनियाँ खुद ही डिलीवरी बॉयज़ को हायर करती हैं। ये उन्हें महंगे पड़ते हैं क्योंकि कंपनी को कई सारे इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं। दूसरा तरीका ये है कि कंपनियाँ अपना डिलीवरी और लॉजिस्टिक कोई दूसरी कंपनी को दे देते हैं, जैसे टीम लीज, सक्सेस मैनेजमेंट वगैरह जैसे। इसमें ई कॉमर्स कंपनी को डिलीवरी बॉयज खुद हैंडल करना नहीं पड़ता है। ई कॉमर्स कंपनियों की कुछ शर्तें भी होती हैं, जैसे कि डिलीवरी बॉय 12th पास होना चाहिए, उसको हिंदी, बेसिक इंग्लिश और लोकल भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। डिलीवरी बॉयज़ के पास बाइक और मोबाइल भी होना चाहिए। स्विगी और फूड पांडा जैसी कंपनियों के डिलीवरी बॉयज़ को सैलरी ई कॉमर्स कंपनियों के मुकाबले कम होती है, क्योंकि इनके डिलीवरी बॉयज़ को एक वक्त पे एक ही चीज़ ले जानी होती है और ये सब नए स्टार्टअप्स भी हैं इसलिए। लेकिन ई कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी बॉयज़ को एक साथ 8 से 10 किलो तक का सामान एक साथ ले जाना होता है। फ्रेशर को करीब 7 से 8 हज़ार रुपये मिलते हैं, लेकिन अलग अलग जगह और अनुभव वाले लोगों को 10 से 12, कहीं कहीं पे तो 20 से 25 हज़ार रुपये तक भी मिलते हैं। डिलीवरी बॉयज़ को पार्सल के हिसाब से पैसे मिलते हैं। एक पार्सल का उन्हें 12 से 14 रुपये मिलता है। हालांकि अमेजोन अपने डिलीवरी बॉयज़ को एक पार्सल का 18 रुपये देती है। डिलीवरी बॉयज़ सुबह 6 बजे उठ के फ्रेश होकर 7 बजे ऑफिस या वेयरहाउस पर पहुंच जाते हैं। वहां से 20 पार्सल लेके दोपहर 12 से 1 बजे वापस आते हैं। लंच ब्रेक के बाद फिर से 20 पार्सल लेके जाते हैं और शाम 5 बजे तक वापस आते हैं। थोड़ा रेस्ट लेके फिर से 20 पार्सल लेके जाते हैं और रात 8 बजे वेयरहाउस वापस लौटते हैं और रात 9 बजे अपने घर। 12 से 13 घंटे वो भी टू व्हीलर पे जॉब करते हैं और कुछ लोग पार्सल में गड़बड़ी होने पर उन्हें ही सुनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक भी ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। धन्यवाद।